I suffer from celiac disease. मेरा डायग्नोसिस हुआ था नियरली 6 years back when I was expecting and तब से I have been on a gluten-free diet. My problem is that even despite following a gluten-free diet, my iron levels always keep very low. मेरा hemoglobin कभी भी बढ़ता नहीं है. I am a non-vegetarian and I eat a lot of fresh fruits also. I take a very rich nutrient diet. But despite that, my hemoglobin never increases. देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि celiac disease होती क्या है. इतना तो बता दिया डॉक्टर ने कि ग्लूटन नहीं खाना है और आपने ग्लूटन खाना बंद कर दिया. लेकिन आपके घर में दूसरे लोग भी तो हैं ना, वो तो ग्लूटन खा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? आयुर्वेद में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है, क्यों गेहूं आपको नहीं पच रहा है, क्यों ग्लूटन आपको नहीं पच रहा है. और यही नहीं, आपने ये भी पूछा कि आप हेल्दी डाइट लेते हैं लेकिन फिर भी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, आपका जो है आयरन सप्लीमेंट्स भी आप ले रहे हैं फिर भी आपका हीमोग्लोबिन कम है. तो सीधा सा संकेत हमें यहाँ मिल रहा है कि आपकी जो पाचक अग्नि है, जिसको हम आयुर्वेद में जठराग्नि बोलते हैं, जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है, वो जो है कमज़ोर है. यानी कि वो गेहूं को नहीं पचा पा रही है, वो आयरन सप्लीमेंट्स को नहीं पचा पा रही है, जिसके कारण जो है आपका हीमोग्लोबिन भी नहीं बन रहा है. आयुर्वेद में इस प्रकार के जब रोगी हमारे पास आते हैं, बहुत सारे रोगी आते हैं और आजकल तो पूरी दुनिया से आते हैं, केवल भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड से सीलिएक डिजीज़ के पेशेंट जीवा में आते हैं. छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चे अभी 3 साल 4 साल के हैं, उनको ये डिजीज़ हो रही है. तो हम इसकी चिकित्सा करते हैं कि आपकी पाचक अग्नि को मजबूत करते हैं. सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जीवा में बड़े अच्छे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, डाइजेस्टॉल करके बहुत अच्छा है, जो हमारी पाचक अग्नि को मजबूत करता है. आपको ये भी ध्यान रखना है कि केवल हेल्दी डाइट लेना ही हमारा काम नहीं है, वो हेल्दी डाइट पचनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं पचेगी तो आम बनेगा. आम एक टॉक्सिक मटेरियल होता है जो कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करता है. मैं तो बार बार कहता हूँ, जहाँ पहुँच गया आम, हो गया काम तमाम. तो क्या करना है, आपको अपनी अग्नि को मजबूत करना है. ताज़ा अदरक ले लीजिए, उसका छिलका उतार के छोटे छोटे पीसेस बना के नींबू के रस में डाल करके अपने डाइनिंग टेबल पर रखिए. खाना खाते समय उसमें से 1 चम्मच हर बार आप सेवन करें. दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही जीवा में आप कॉन्टैक्ट करें. जीवा के डॉक्टर्स, हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, उनको हमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है. सभी लोग वेल ट्रेंड हैं कि किसी भी प्रकार के जो रोग होते हैं, खासतौर से जिनको आजकल एलर्जी कह दिया जाता है या इनक्योरेबल कंडीशन जिसको कह दिया जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ आपने कई सुनी होंगी, हमारे यहाँ जीवा में हमने शास्त्र के आधार पर, इवन जो हमारा मॉडर्न नॉलेज है उसको भी हमने लिया है, और सबको मिला करके डिजीजेस के प्रोटोकॉल्स बनाए हैं कि हाउ टू मेक ए प्रॉपर आयुर्वेदिक डायग्नोसिस, उसके साथ साथ प्रॉपर चिकित्सा पर्सनलाइज लेवल पर कैसे की जाए, ये भी हमने किया है. तो आपसे मेरा निवेदन है कि आज ही आप जीवा में संपर्क करें और जीवा के डॉक्टर्स आपसे बातचीत करेंगे, आपसे कंसल्टेशन करेंगे और आपके रोग का आयुर्वेदिक उपचार बताएंगे.